Hello, let's read this question. The question says that the activity of a radioactive material is 6.4 into 10 to the power minus 4 curie. Its half life is 5 days. The activity will become 5 into 10 to the power minus 6 curie after 7 days, 15 days, 25 days, or 35 days. We have to choose the correct option. आइए बच्चों discuss करते हैं key concept. तो बच्चों हमारा जो बेसिक की कंसेप्ट होगा यहाँ पर वो एक फॉर्मूला है जिसको कि हम यूज करेंगे एंड दैट इज रिलेटेड टू एक्टिविटी, क्योंकि ये क्वेश्चन बेस्ड है एक्टिविटी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल पर. तो पर्टिकुलर टाइम में जो एक्टिविटी होगा तो उसका फॉर्मूला है ए नॉट, ए इज इक्वल्स टू ए नॉट, दैट इज एक्टिविटी एट पर्टिकुलर टाइम टी इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 by 2 raised to power t upon half life time. That is, ये t second पर या t time में होने वाला activity है, ये previous activity है 1 by 2, and जितने time में activity होना है वो है small t, and ये half life है, capital T 1 by 2 is half life. आइए अब देखते हैं solution. तो आइए सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं कि question में जो भी क्वांटिटीज हमें गिवन है वो क्या क्या क्वांटिटीज है. तो यहाँ पर जो गिवन है पर्टिकुलर हमें स्मॉल टी तो कैलकुलेट करना है बिकॉज ऑफ दैट वो हमें पता नहीं है, और हाफ लाइफ जो है वो गिवन है, दैट इज हाफ लाइफ को हम कैपिटल टी से यहाँ पर रिप्रेजेंट करें. तो हमारा जो कैपिटल टी 1/2 है हाफ लाइफ वो गिवन है 5 days, और एक्टिविटी जो स्टार्ट में गिवन है दैट इज ए नॉट, वो हमें गिवन है 6.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 क्यूरी, एंड ए का वैल्यू मतलब पर्टिकुलर टाइम टी पर एक्टिविटी का वैल्यू कितना गिवन है 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 क्यूरी, और हमें स्मॉल टी का वैल्यू पता नहीं है कि कितने टाइम में ये एक्टिविटी हो पाएगा इतना, तो हम टी को कैलकुलेट करेंगे बाय यूजिंग दिस एक्सप्रेशन. सो देयरफॉर सब्स्टिट्यूटिंग ऑल गिवन वैल्यूज इन एक्सप्रेशन ए इज इक्वल्स टू ए नॉट 1 by 2 raised to power t upon t by 2. चलिए फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करते हैं. a का वैल्यू गिवन है 5 into 10 to the power minus 6. a naught है 6.4 into 10 to the power minus 4. And 1 by 2 small t find out करना है. और capital T हमें गिवन है 5. वैल्यू सॉल्व करना पड़ेगी ये तो. 5 into 10 to the power minus 6 whole upon 6.4 into 10 to the power minus 4 and equals to 1 by 2 raised to power t upon 5. सॉल्व करना है हमें, तो मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ. देखिए ये एक पॉइंट मैंने ये वाला हटा दिया तो ये तो 50 हो गया और अपॉन में हो गया 64. फिर ये 10 की पावर माइनस 6 प्लस 4 और ये बना 50 एंड 10 की पावर बचेगा यहाँ पे 10 रेस टू पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 64 एंड ये वाला जो पोर्शन है ये तो 1/2 रेस टू पावर टी बाय 5 तो चल ही रहा है, ये 1/2 एंड रेस टू पावर टी बाय 5 चल ही रहा है. और इसको जब हम सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये वाला जो पोर्शन है ये हो जाएगा 50 डिवाइडेड बाय 6400 एंड ये जीरो और ये जीरो कैंसिल एंड 1/2 रेस्ट टू पावर टी बाय 5. फाइनली जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो देन ये पोर्शन होगा 1/128 इक्वल्स टू टी अपॉन 1/2 का पावर टी अपॉन 5.
इसे हम लिख सकते हैं 1/2 का पावर 7 एंड ये है 1/2 का पावर 3/4। अब आप तो जानते हैं बच्चों की अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल होगा, इट मीन्स ये पावर है 7 इक्वल्स टू 3/5, देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 7 इंटू 5, दैट इज इक्वल्स टू 35। फाइनली हमारे पास जो आंसर आया वो कितना आ गया, हमारे पास फाइनल आंसर दैट इज 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 35। तो हमारा जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है मतलब 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 क्यूरी, इतना होने में 35 डेज लगेंगे। तो हम देख लेते हैं कि आंसर किस ऑप्शन पे मैच हो रहा है। ऑप्शन डी, दिस इज द राइट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।